आइए 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 आइए, आहिस्ता आहिस्ता करके आइए। तो थोड़ा वक्त दे देते हैं लोगों को ज्वाइन इन होने का, अचानक से शुरुआत नहीं करेंगे प्लीज। हेलो एवरीवन, 2000 पीपल एंड काउंटिंग। हेलो 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 एवरीवन, हाय 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 हाय। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिस इज शेन बी, और आज एमटीवी हसल का इंस्टाग्राम हैंडल हाईजैक हो चुका है, और अभी का जो भी फाइनलिस्ट के साथ डिस्कशन होगी वो मैं होस्ट करूंगा आज ऑब्वियसली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काउंटिंग 2900 प्लस पीपल एंड काउंटिंग, सबका इंतजार हो रहा है। एक बार सब लोग जुड़ जाएं, दो तीन मिनट दे देते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग चीज होने वाली है आज। लोग अभी से बोल रहे हैं प्लीज कॉल केडन, वो वक्त भी आएगा, थोड़ा सा सबर, थोड़ा सा हल्का सा सबर, वो वक्त भी आएगा। कैसे हैं सब, सब लोग कैसे हैं? विनर कौन है ये तो आपको देखना पड़ेगा भाई, ये हम नहीं बता सकते हैं भाई, ये तो देखना पड़ेगा आपको। बैड बॉय बी बॉब बी जॉइंड। देखो पोको एमटीवी हसल 03 का ग्रैंड फिनाले इज जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर। आज और कल में आपको पता चल जाएगा कौन है अल्टीमेट विनर हमारे हसल 03 का। तो मुझे पता है सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आई नो, सब वही लिख रहे हैं ऑब्वियसली। विनर आर 100 आरबीएच, कोई भी हो सकता है, वही तो बात है, वही तो हम जानना चाहते हैं। आई थिंक काफी लोग जो है जमा हो चुके हैं हमारे साथ, और थोड़ा सा वेट करते हैं लोगों का, थोड़ा और वेट करते हैं। मिस यू बॉबी भाई, मिस यू टू यार। देखो कहां हम कंटेंडर से आज हम होस्ट बन गए हैं। ऑब्वियसली थैंक यू एमटीवी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत मजा आएगा अपने लोगों से बात करके यार। ऐसे तो कोई हाथ आता नहीं, बिकॉज सब सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, फोन ऐसे करो तो कोई उठाता नहीं है। तो इसी बहाने हम उन लोगों को पकड़ेंगे, उनसे बात करेंगे यार, मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं लोगों का। आई थिंक काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, हम शुरुआत करते हैं। तो सबको पता था इस बार का पोको एमटीवी हसल 03 किस बारे में था। इट वाज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, और सब लोगों ने, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, सब लोगों ने बहुत बढ़िया रिप्रेजेंट किया, चाहे वो उनकी फैमिली के बारे में हो, उनके स्टेट के बारे में हो, उनकी आइडेंटिटी हो, उनका बिलीफ हो, हर एक चीज को बहुत सही तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। उनमें से एक मैं भी था। मैं पर्सनली अगर बात बताऊं तो मैं हमेशा से चाहता था मैं अपने जम्मू कश्मीर को एक अच्छी स्टेज पर लेके आऊं, और अपनी जो मेरी मदर लैंग्वेज है कश्मीरी, उसको रिप्रेजेंट करूं, जो कि मैंने किया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एम्पावरिंग थी वो फीलिंग कि, एंड आई होप बाकी लोगों को भी यही फील हुआ होगा जितने भी कंटेस्टेंट्स थे। तो वही आपसे बात, ये मैं जो जरूरी है वो ये करना चाहता हूं कि जो पोको एमटीवी हसल 03 था, उसने देसी हिप हॉप को काफी आम घरों तक भी पहुंचा दिया, ना ही कि सिर्फ वो लोग जो ऑलरेडी हिप हॉप के बारे में जानते थे, देसी हिप हॉप के बारे में जानते थे, बट उन लोगों को भी और ज्यादा तारुफ कराया इससे जो लोग बिल्कुल भी हिप हॉप के बारे में नहीं जानते थे। तो आई थिंक थ्रू आउट द सीजन्स 1, 2 एंड 3 अब लोगों को बहुत ज्यादा पता है हिप हॉप के बारे में, जो शायद उनको पहले पता नहीं था बिल्कुल भी। तो एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि कैसे हम आम लोगों तक हिप हॉप लेके जाएं, जो बिल्कुल भी पहले रुचि नहीं रखते थे हिप हॉप में। और मैं बहुत खुश होता हूं जब भी बाहर निकलता हूं, अब लोगों को स्लैंग्स के बारे में पता है, हिप हॉप टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता है। तो आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट हिप हॉप ग्रोइंग इन इंडिया एंड ऑल ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। तो भाई हाँ, बहुत लोगों के नाम आ रहे हैं भाई विनर्स में। गुरु भाई का भी नाम आ रहा है, ये कैसे? अरे यार केडन बोलते, केडन बेसिक, बहुत सारों के नाम आ रहे हैं, बहुत अमेजिंग है। मुझे लगता है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता जो हम बैच में करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे बैच में वो होंगे विजय दादा, बेसिक और केडन। तो जो फाइनलिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे, देखेंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जस्ट बिकॉज रिजल्ट्स वैसे ही अनाउंस होने वाले हैं कुछ आज और कल में, यू नेवर नो, कभी भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले तो अपने बंदों को लेंगे, दो बैचेस में करेंगे। सबसे पहला जो हमारा बैच है वो है विजय दादा, बेसिक एंड केडन, ठीक है? तो पहले तो उनको हम लाइव में अपने ले लेते हैं, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड।
बेसिक बी इनवाइटेड एंड सबको इनवाइट कर दिया है, अब वेट कर रहे हैं उनके आने का। हाय एवरीवन, क्या हाल चल रहा है? क्या एक्साइटेड हो आप लोग? यार मैं तो एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये जो हाइप बनी हुई है ना, ऑब्वियसली सबको उनका क्लोजर मिल जाएगा। सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको अपना विनर मिल जाए। कोई मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, बता दो कौन है। ऑब्वियसली हमें क्या पता, हमें नहीं पता है। इन लोगों को इनवाइट किया था, ये लोग हैं कहाँ? अरे आ जाओ, इतना शर्माओ मत। दोबारा से ऐड कर देते हैं, एक सेकेंड। वो तो आए नहीं आए, और हमारी जो लाइट है वो भी अस्त व्यस्त हो गई। आर बी इन सबको ऐड कर रहे हैं। आओ जी आओ, कहाँ चले गए? अरे रिक्वेस्ट में देखना पड़ेगा। आ गए फिर हाय से। हेलो भाई, कैसे हो? किधर वेलकम। हो? बस भाई, अपने जम्मू में ऐड कर रहे हैं लोगों को। विजय दादा को भी ऐड किया है, पता नहीं क्यों नहीं बुला लो ऐड हो बुला लो रहे थे अभी बुला तक। लो, आने दो, सबको आने दो। देखो बहुत लोगों का आपका इंतजार था आगे। अरे हाय भाइयों बहनों, कैसे हो सब? कैसे हो बेसिक, तुम कहां पर हो? भाई? मैं तो घर ही पे हूँ। और कहाँ, बस ना, बाल अब संवारना अपने अपने छोड़ दो घरों यार। में ही अच्छे है। अच्छे लग रहे हो भाई, अच्छे लग रहे हो, बाल संवारना छोड़ दो। अरे अभी नहा के निकला हूँ भाई। फ्रेश अरे बहुत होके लोग बैठ रहा बहुत हूँ इधर। बहुत बहुत एक्साइटेड हैं यार लोग, जानने के लिए कौन जीता कौन जीता। मैंने बोला थोड़ा सब्र रखो यार, हो जाएगा, पता चल जाएगा। आज और कल बहुत जबरदस्त धूम धड़ाके वाले एपिसोड्स होने वाले हैं। अनिकेत आई होप मेरे सब भाई, लोग कैसे हो? प्लीज ब्रो, सिंग कसूर। भाई इतनी सिंगिंग कर करके मेरा गला बैठ चुका है ना। ये बात तो है। बेसिक विदु विदु, कैसी हो? मिस यू मैन। अरे ये लोग पता नहीं किस दुनिया के कोने में बैठे हैं कि। हाँ भाई, अरे केडन भाई आ जाओ, आपको मैंने वो भेजी है रिक्वेस्ट। कहता भाई मैं तो टूट गया। वो जय अकेडमी भाई, जय अकेडमी वाले तक आ रखे हैं यहाँ पे। हिमालय भाई, कैसे हो? कैसे हो? हिमालय भाई क्या हाल चाल यार? आज का यही था कि भाई लोग आपस में मिलके बात करेंगे, पर ये मुझे लगता है ये शायद ऐसी जगहों पे चले गए हैं जहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा इनको सही से। उन जगहों पे कुछ समय पहले मैं भी था भाई, और उनके साथ ही था बट पहाड़ों पे हाँ, बहुत बढ़िया यार, मैं तो जाना चाहता हूँ। यहाँ पर ठंड इतनी है जम्मू में कि नहीं निकल पा रहे। एक तो लोग इतनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं भाई, जिनको बुलाना है वो ही कहीं घूम गए हैं। इशू गया था श्लोक भाई, लव फ्रॉम झांसी। अबे साले आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, कुछ दिन में आ ही रहा हूं। केपी तो भाई उनको तो
वो जब तक आते नहीं आते एक बार और भेज देता हूँ, देखते हैं, हाँ फिर हाँ हम ही अपन बात शुरू करते हैं यार, हाँ हाँ ये अपन करते लोग बात। ये लोग आज जी केडन बोलते, केडन को दोबारा भेज रहा हूँ, देखो पांचवी छठी बार भेज रहा हूँ। उसके बाद है हमारे प्यारे विजय दादा, यू आर माई फेवरेट कंटेस्टेंट एवर, थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा इसी को बोल रहे हो, सॉरी। पता नहीं किसको बोल रहे भाई, दोनों को ही बोल रहे, दोनों की अरे तरफ से बोल। यार बेसिक, सबसे पहले तो चलो वो आएंगे, जब भी आएंगे आपसे शुरू करते हैं। हाँ आप मुझे बताओ, आप आपको पता है अभी ग्रैंड फिनाले होने वाला है, क्या चल रहा है दिमाग में? भाई जो है भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और क्या जो होना तो हो गया, अब लोगों का रिएक्शन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर भी एक एक होता है ना कि वो लाइव टेलीकास्ट होगा, कितने करोड़ों लोग देखेंगे हाँ यार, तो भाई, क्या। उसके लिए तो आई एम मतलब प्रिटी एक्साइटेड, और हाँ काफी काफी मजा आने वाला है भाई, बहुत ज्यादा। अरे यार वो तो आप है ही बताओ, आप अपना बताओ, आपका क्या कहना है, आपके आपके यार। सपोर्टर, मैं आपके घर वाले, आपके लोग क्या कह रहे हैं शो के बारे में। यार मुझे ये लगता है मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स एक्चुअली, जब मैं हसल में आया था हाँ जी। तो ऐसा मेरा कोई आपकी तरह ही मेरा भी कोई फैन बेस नहीं था, तो मेरे जो सपोर्टर्स थे, हमारी जर्नीज ऑलमोस्ट बहुत वैसी रही है। हम दोनों वो हैं हाँ जो हाँ लड़ वही झगड़ वही, के आगे तक मेरी गए तो हैं। जर्नी मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल रही है, मैं खुद के लिए इतना प्राउड फील करता हूँ आज, और मैं बिल्कुल हक से कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि हाँ बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे मेरी खुद की जर्नी में, और जो भी कमियां थी मेरे अंदर, वो सब इस हसल के स्टेज ने ना मुझे वो कमियां एलिमिनेट करने का मौका दिया। सारे स्क्वाड बॉसेस ने मुझे करेक्ट किया एकदम राइट टाइम पे, डीनो भाई स्पेशली, बादशाह भाई, इन सबकी ना गाइडेंस बहुत काम आई, और ओवरऑल जो जर्नी मेरी रही है तो उसमें ना इन छोटे छोटे चीज़ों का बहुत योगदान रहा है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में और फाइनलिस्ट बनाने में। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का, बड़े बड़े चीज़ों का बहुत योगदान रहा है, और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यार, सबसे पहले तो ये है। और दूसरी बात भाई, आज एपिसोड आने वाला है पहला ग्रैंड हाँ यार फिनाले का, बहुत ही हाँ एक्साइटेड बिल्कुल हूँ, बिल्कुल आप भी बहुत एक्साइटेड हो, आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए आई एम श्योर। और भाई स्टे ट्यून्ड, देखते रहना भाई, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। पता है क्या, जब भी ऐसा कुछ मतलब हम ऐसे दौर पे आ जाते हैं ना जैसे शो एंड हो रहा होता है, लोगों के लिए एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट होती है। हम कंटेस्टेंट्स को मुझे लगता है कि एक ना फोमो जैसा होता है कि यार हम कहाँ, आपने वो 3 4 महीने मतलब वो जी लिए हैं वैसे, और उसके बाद अभी हम कहाँ, हम दिन रात साथ में थे, आप अब अपनी जगह हो, मैं अपनी जगह बैठा हूँ, तो कहते हैं ना एक वो साथ में रह के वो सब एक्सपीरियंस करने में एक अलग मजा था यार, बहुत बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल 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 भाई, मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिले और आप कुछ मिस ना करो बिहाइंड द सीन्स और ग्रैंड फिनाले से रिलेटेड कुछ भी, तो जो हमारे एमटीवी हसल के एक पेज पे एक चैनल बना है हसल हुड हाँ नाम का, ब्रॉडकास्ट जो चैनल, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, चैनल है, हाँ वो जरूर ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करें चैनल, भाई, वो बिल्कुल बहुत ही ज्वाइन बढ़िया करो। बैक हाँ स्टेज उस मसाला भी मिलने वाला है, साइड हसल भी दिखने वाली है हमारी, सब कुछ सब कुछ। सब कुछ आपको बेसिकली वो सब जो मेन पेज पे नहीं होता वो आपको सीक्रेटली वहां देखने सुनने को सब मिलेगा, तो प्लीज वो ज्वाइन करो सबसे पहले तो। बिल्कुल और मुझे बिल्कुल लगता है कि यार एक ग्रैंड फिनाले की ना वाइब बहुत अलग थी यार, बहुत मजा आया। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा। सरप्राइज था इतना बड़ा कि गुरु रंधावा भाई आए वहां पर हाँ, यार। किंग और गुरु रंधावा वर हाँ देयर एग्जैक्टली भाई, मतलब सीइंग देम यार, एग्जैक्टली लाइव वाज एन एक्सपीरियंस इटसेल्फ फॉर मी, और क्रेजी बहुत ही क्रेजी। एक्सेप्शनल और था भाई, कसम से मजा आया बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा और और हाँ ये जैसे गुरु रंधावा जो भाई हैं उनका मुझे जैसे कहते हैं ना एक वो स्टार वाली वाइब, वो ऑन स्क्रीन जो है उससे मुझे काफी डिफरेंट लगे। हैं तो हैं वो स्टार लेकिन भाई कितने यार, लेकिन हम्बल हैं और कितने। कितने हम्बल, कितने हाँ डाउन टू अर्थ है भाई, बिल्कुल। वही और किंग भाई का तो किंग भाई ऑरा की है, तो बात ही अलग है ऑरा भाई, उनकी तो ऑरा है। वाइब ही, मतलब जब वो घुसते हैं, जब एंटर करे भाई, तभी अलग सा ऑरा पूरे में ना, एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती ना पूरे में, सब एग्जैक्टली जगमगा उठे थे जब हम भाई आए थे ना बिल्कुल, क्या वाइब थी यार, क्या भाई, एनर्जी आ गई थी कि ऑसम ऑसम भाई ऑसम ऑसम। बहुत बहुत मजा आया था यार। और हाँ एक्चुअली फिनाले पे सब लोग हम जो विजय मिले भी दादा साथ को में, एक बार और रिक्वेस्ट भेज देते हाँ विजय दादा को मैं कोई 80 बार हैं। भेज चुका हूँ,
अब एक बार मैं और, क्या एक बार सीख और रहा कोशिश करिए बस। हूँ। जैसे आप आपका हो गया था कनेक्ट, उनका भी देखते हैं होता है कि नहीं, विजय दादा को भी। अरे वही, ये मोमेंट मैं लेना चाहता हूँ बताने के लिए लोगों को, हमारी लास्ट बैटल हुई थी बेसिक और मेरी। तो मैंने, जिन लोगों ने देखा भी नहीं है, मतलब जो एपिसोड नहीं देखते, जो सब वीडियोस देखते हैं, तो मुझे बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपकी बैटल, उनको लगता है कि हमारे बीच में बहुत राइवलरी है तभी बैटल हुई। यार ऐसा कहा, कुछ भी नहीं, हाँ भाई कुछ भी नहीं ये है तो भाई। हम बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है भाई। शैन भाई और शैन भाई मेरे बड़े भाई हैं यार, बड़े भाई और जैसे हैं बिल्कुल। हमने और वो तो फ्रेंडली एक दूसरे के सामने, फ्रेंडली था भाई अपना आपस में, है ना। एक हाँ हाँ कॉम्पिटि यार, हेल्दी कॉम्पिटिशन था। और ना हमने भी अपना फुल क्यों दिया और इतना, मतलब हम क्यों उसमें इंटू थे, क्योंकि हम एक दूसरे को भी टफ कॉम्पिटिशन देना चाह रहे थे कि हम में से अगर एग्जैक्टली उस दिन कोई बाहर भी जाता या कुछ भी था, तो हम ये नहीं चाहते थे कि हमने यार अपना फुल नहीं दिया, या हम गए ना तो हमारे अपोनेंट ने, जो हमारे अगेंस्ट में, उसने अपना फुल नहीं दिया, तो हमको वो मजा नहीं आया। बिल्कुल तो वो वाली वाइब नहीं यार, चाहते थे कि ऐसा कुछ क्रिएट हो किसी के मन में। तो हम वी जस्ट वेंट ऑल इन, भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता था उस दिन, अनप्रेडिक्टेबल था। तो बस वही, एक दूसरे को फुल एनर्जी में हमने अरे सपोर्ट करना बेस्ट था, बेस्ट वही था बहुत भाई, बहुत बहुत मजा आया था यार। एक्चुअली बहुत ही उसके मजा बाद आया था भाई। लोगों को बिहाइंड द सीन्स का नहीं पता है, और ये इनफैक्ट ये सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में, सिर्फ हम दो नहीं है, बाकी सब भी ऐसे ही थे यार, हंसते खेलते रहते थे, एक दूसरे के गाने भी कभी सुन लेते थे तो लगता था नहीं यार हमें भी जो है ना अच्छी तरह परफॉर्म करना है। बहुत बहुत चिल रहता है माहौल, बहुत भाईचारे वाला। और वो चीज बिल्कुल मुझे ये याद दिलाती है कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप शो पे क्या रिप्रेजेंट करने आए थे, और आपको क्या लगता है आपने किस हद तक आप उस चीज में जो है ना सफल रहे रिप्रेजेंटेशन में अपनी। भाई, मैं अपना लिरिसिज्म रिप्रेजेंट करने आया था, और एक ये चीज में रिप्रेजेंट करने आया था कि एक बहुत छोटी जगह से भी उठ के ना, मतलब जहाँ कोई हिप हॉप का सीन नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपने अपने जगह की भाषा, अपने जगह के साउंड्स, अपनी लिरिकैलिटी उभार के इतने बड़े स्टेज पे इतने सारे ऑडियंस के सामने केटर कर सकता है। तो वो मैं एक चीज रिप्रेजेंट करने आया था सबसे पहले, तो वो एक चीज मैंने सक्सेसफुली रिप्रेजेंट करी। और काफी चीजें रही हैं रिप्रेजेंट करने को। अपना हुड, अपने भाई लोग को रिप्रेजेंट किया मैंने, अपनी भाषा को रिप्रेजेंट किया मैंने, जिन जिन को मुझ पे भरोसा था उन सबको रिप्रेजेंट किया मैंने, जो मेरे बैक पे थे, जितने सपोर्टर्स थे, जितने वोटर्स थे, सुनने वाले थे, सबका बहुत प्यार था मेरे, उन सबके प्यार को रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो अभी तक तो वो सक्सेसफुली होता है, और आई होप इन द फ्यूचर ऑल्सो कि सक्सेसफुली मैं सब चीजें रिप्रेजेंट करता जाऊं और सबकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। तो वही है। अरे यार बिल्कुल करोगे, बिकॉज आई हैव नोन यू एज अ पर्सन, और मैं जानता हूँ कि तुम हाँ कैसे जी, इंसान हो, और तुम 100% करोगे। आई कैन ऑल्सो रिलेट टू यू, बिकॉज हमारा कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ओरिजिन सेम है, एक छोटे शहर से आना, बहुत ही रफ पैच से गुजरना, बट फिर भी अपनी जगह बनाना इस इतने बिल्कुल हेल्दी बिल्कुल कॉम्पिटिशन में और इतने जबरदस्त आर्टिस्ट के बीच में। तो आई कैन टोटली रिलेट टू दैट, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मैं आपसे रिलेट करता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है बिल्कुल तो वैसे कोई नहीं कर पाएगा भाई। टोटली एग्रीड। आई लव यू, लव यू शन भाई। ठीक है ठीक है, बेसिक बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात हाँ करके। जी, अब हाँ हम, क्योंकि कुछ टाइम में एपिसोड भी शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल हम बिल्कुल बाकी बिल्कुल, विजय ईगरली दादा, वेट। तो विजय दादा और सबके सबके चहेते केडन बोलते, केडन तो आए नहीं, कोई बात नहीं, जो हमारा दूसरा बैच है हम उनसे बात करते हैं। मीनवाइल अगर वो लोग भी जुड़ गए तो बहुत बढ़िया, तो हम अपने सेकंड बैच को बुलाते हैं। बेस्ट ऑफ लक थैंक केडन, बेस्ट ऑफ, मुंह पे केडन ही चढ़ गया इतना केडन देखे, तो बेसिक बेस्ट ऑफ लक यार, यू, और एक्साइटेड है यार, देखते हैं फिर आज का। सब लोगों को भी मैं बोलूंगा, आज कुछ भी हो जाए मिस मत करना भाई, आज जो है बिल्कुल हमारा भी मिस फर्स्ट मत सेगमेंट है करना, ग्रैंड कोई फिनाले, भी, कल जितने लोग सेगमेंट देख रहे हैं सेगमेंट सब होगा, जाके देखो। बिल्कुल टीवी खोल लो भाई, खोल के बैठ जाओ, अभी से चालू कर दो, एकदम एमटीवी लगा के बैठ जाओ और हिलो मत अपनी उसमें जगह से टाइमर बस। रहता है, उस टाइमर को घूरते रहो भाई, क्योंकि वो कहते हैं ना वर्थ इट है। हाँ ठीक है चलो, ख्याल रखना अपना चलो बेसिक भाई, शैन भाई, बहुत अच्छा लगा यार बिल्कुल बात आपसे करके। भी, चलो बेस्ट ऑफ आपसे लक, भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल फिर करते हैं इसके बाद हम पर्सनल बात। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं भाई, लव यू ओके शैन, भाई, बाय लव यू बाय। लव यू लव यू टू, लव यू टू। देखो यार चलो बेसिक
से आए हो, आपको बात करके मजा आया होगा। हम अपने सेकंड बैच को लेते हैं, कुछ लोग बीच में आए आ नहीं पाए, लेकिन कोई नहीं, हम सेकंड बैच को लेंगे। यार देखो, मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने विनर प्रेडिक्शंस पूछी हैं। मैं अगर आपको सच बात बोलूं तो मैं भी पर्सनली, मेरे दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, मतलब मैं सबको पर्सनली जानता हूं। मेरे दिमाग में उदय भी है, छोटे भाई की तरह है, और हम साथ में रहे हैं काफी, और बेसिक भी है, बेसिक का मुझे पता है, और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर विजय दादा के लिए भी है। विजय दादा, क्योंकि अगर आप लाइव उनसे मिलोगे ना, वो क्या पर्सनैलिटी है यार, वो बंदा कंप्लीट परफॉर्मर है, कंप्लीट, वो उसको महफिल को जगाना आता है। तो ये तीन लोग तो हमेशा मेरे दिमाग में रहेंगे। अब हम अपने सेकंड बैच को, ये मेरी प्रिडिक्शन थी बेसिकली जो मैं बता रहा था आपको, सेकंड बैच को बुला लेते हैं। हमारा जी सेकंड बैच है जो, वो है मृणाल, 100 RBH माय मैन, और उदय मेरा छोटा भाई, बुला लेते हैं उन लोगों को। सौरभ भाई कहाँ पर हैं आप, कहाँ पर हैं, इनवाइट कर दिया। उदय पांडे इज इनवाइटेड, उसके बाद मृणाल। अभी मेरे दिमाग में गूंजता था अमीरी, सुर नहीं लगा पाता हूं ऐसा, लेकिन ऑब्वियसली गला भी गया अमीरी। अरे आ जाओ मेरे भाइयों, अरे दो भाई एक बहन, जल्दी आ जाओ। ओ माय लॉर्ड, कोई कैसे हो? और भी आ चुका है। ओ यार ए, ए, यार, मैं बर्थडे मना रहा था दोस्तों के साथ यार, तो मैं बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू यार मृणाल, थैंक यू भाई। कैसे हो सारे? मेरी लाइन छीन ली, मैं अनाउंस करने वाला था। ओके देखो, करो करो। उदय को प्लीज हैप्पी बर्थडे बोल दो, उसका बर्थडे आज है। स्पैम करो, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार। कैसे हो सारे, कैसे हो सारे? अच्छा पीछे वही चल रहे क्या? हाँ भाई, तो क्या करूं भाई, कोई बात नहीं भी मिला तुम्हारे भाई, आज का एपिसोड देखना। अरे मैं मिलवाता हूँ बाद में। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। मैं भी, आप भी मेरे फेवरेट हो। कैसा लग रहा है? मेरी आवाज, मेरी आवाज सही आ रही है? मैं बहुत मुश्किल से खाली जगह ढूंढ के आया हूँ। मुझे तो सही लग रहा है। शेन, शेन इज आस्किंग उदय कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या बोल रहे हो शेन भाई? कैसे लग रहा है, फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है कि हमारा जो पोको MTV हसल 03 का ग्रैंड फिनाले आने वाला है, कुछ वक्त में बस शुरू हो जाएगा उसका पूरी प्रोसेस, कैसा फील हो रहा है भाई? मैं तो एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट, खुद को ही देखने के लिए और तुम लोगों को देखने के लिए भी। ऑब्वियसली मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट गाने हैं इस एपिसोड में, मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट गाने हैं, मुझे वो दोबारा सुनना है। मुझे मृणाल का गाना बहुत पसंद है, पूरे सीजन सुनाया है इसने मुझे वो गाना और एंड में परफॉर्म किया है। हमारे दोनों के फिनाले के गाने हमने 2 महीने पहले मेरा भी जब मिले सेम हाल ही है, मेरा भी सेम इन दोनों सेम हाल ही है, खोल के दे दे। स्पेशल गाने इन्होंने अपने रखे थे और पॉजिटिवली सोच के कि अगर हम फिनाले तक पहुंचे तो हम करेंगे, तो बहुत अच्छे ट्रैक्स। भाई टू बी ऑनेस्ट, मैं लेजिट 2 गाने ही लेके आया था ऐसे, एक इंट्रो, एक एल्बम, आउट्रो, बीच के गाने भर दिए, समझ लो। मैं वो ही कर रहा था मैंने इस सीजन में पूरा। थैंक यू। बिल्कुल, एक सवाल जो मैंने सबसे पूछा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मृणाल, आपसे, आपको क्या लगता है जो कि इस साल का थीम था, विच वॉज रिप्रेजेंट, आपको क्या लगता है कि आप कितना सफल रहे उसमें और आपने क्या रिप्रेजेंट किया? मैंने तो आई थिंक आई स्टार्टेड विथ ब्लेंडिंग हिप हॉप विथ क्लासिकल हो या ट्रेडिशनल चीजें हो, बट आगे जाते जाते मैंने उसमें जैज भी ला दिया। मैंने आई थिंक आई जस्ट रिप्रेजेंटेड वर्सेटैलिटी कि एक आर्टिस्ट कितनी कितने रंग ला सकता है, तो आई थिंक दैट्स ऑल आई डिड होल सीजन। बस बारे यार बहुत, हम जानते हैं, हमने
पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। एक तो मैं ऑडियंस को बता दूं, जो आप टीवी पे एक्सपीरियंस करते हो और जो हम वहां पर स्टेज पे करते हैं ना, पे हाँ, अलग है, कोई टोटली कंपैरिजन अलग है। बहुत जमीन बिल्कुल, आसमान का मतलब डिफरेंस, जमीन जो आसमान हम का लोग देख रहे हो कि हम अगर डिफरेंस किसी बात पे, जैसे रुबीना पे लोग रोए थे, पीपल कुडंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों रो रहे हैं सारे लड़के। वहां पे जो मोमेंट बना एग्जैक्टली, था वहां पे एनर्जी अलग थी वहां पे उस वहां मॉल पे, में ना। लिटरली फूट फूट के रो रहे थे। आपको वो भी नहीं दिखाया गया है टीवी पे एक्चुअली, बट बहुत ज्यादा मोमेंट, वो लाइक 45 मिनट मैं सुन एक्स्ट्रा। सकता था भाई, मैं बीच में घुसा था, रोना अपने आप को छुपा रहा था, और मैं सुन रहा हूँ बस बॉबी भाई बोल से भाई सुड़क रहे हैं, नाके सुड़क रहे हैं भाई, मतलब क्या मोमेंट था वो। बहुत आज ही कूट मैंने कूट के आज रोए ही थे उस टाइम। आज ही बताया किसी को कि मेरा फेवरेट मोमेंट वही था कि जब कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। लोगों को लगता है हर एक चीज डिसाइडेड हो, जो वो जैसे सब आए और मुझे शील्ड कर लिया ना, दैट वाज द बेस्ट माय गॉड, फैक्ट्स बेस्ट पार्ट ऑफ इट, जो भी पूरी प्रोसेस फैक्ट्स। का। तो ये डस मिला मतलब, रैप आईडी कह रहा मैं नहीं रोया, हमें पता है वो तो, अच्छा अरे रैप आईडी बड़ी पता है, मेरे मेरे कंधे पे हमें जो पता है वो तुम्हारे तो। आंसुओं के निशान थे वो जानते हैं कि रैप तुम रोए आईडी थे। की वजह से मैं रोई हूँ लिटरली। मतलब मैं बहुत सीरियसली, मैं आपका गाना सुन रही थी, कभी कभी आवाज हमें कम आती है ना स्टेज पे, तो मैं हाँ सुनने की कोशिश कर रही थी, वेरी वेरी न्यूट्रल। बट मैंने देखा उस साइड पे रैपाडी और बॉबी, बॉबी मुंह ढक के रो रहा है, रैपाडी फूट फूट के रो रहा है। बहुत उनको देख के मुझे भाई, दुख लाइक करा। मैं बस परफॉर्मेंस खत्म हुई, आई वांटेड टू जस्ट गो भाई, मैं हग कर लूं माय इनको उतना। गॉड, मैं पीछे बॉबी भाई आए, सबको धक्का मारते हुए शेन भाई को एकदम स्टेज के कोने तक एकदम धक्का मार के ले गए, समझ रहे वो हो, किसी ने बहुत क्रेजी देखा नहीं सीन था, था वो किसी ने वो। देखा हमें नहीं था पता भाई। है, वो हमें पता है क्या हुआ था, कौन वो हम, मेरे को पता है, वो मेरे को बहुत जोर से धक्का लगा था। क्रमांक देखो मेरा भाई आरबीआई से जा चुका है, टीएमसी के तीन क्या बोलते, कैसा है भाई? क्रमांक मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ, आप सही हो? एक कैसी है एक ब्रुना? एक नंबर तू कैसा है? यार मेरे ना, मेरे फोन में ना अरे कोई इशू है, मेरे को किसी की शक्ल दिख नहीं रही है, बट आई होप मेरी दिख रही हो तुम्हें, दिख रही मेरे को किसी ओ की नहीं दिख रही है, निकल के फिर से मतलब गाना ट्राई करता। मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूँ। नहीं 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 ऐसे अच्छा है कैसे, भाई, तुम भी अच्छे दिख रहे हो, हम सब भी अच्छे जो दिख रहे हैं, नया टेंशन फोन है मत ना लो। तेरे पास में? हाँ अरे ब्रो, उदय, नया फोन है तेरे पास हाँ में? जी ब्रो, डीएमसी इन द चैट, शाउट आउट टू डीएमसी भाई। डीएमसी बोल रहा था व्हाट्सएप, और तीन डायनामाइट्स हैं अभी, गौर यस हो गॉड्स मेन आउट। हाँ, अरे नहीं, ऑड नहीं भाई, तुम पावर है, तुम अरे हमारी आप ऑड फीमेल नहीं हो एनर्जी भाई, की आप वजह से ऑड है, नहीं, फीमेल एग्जैक्टली एनर्जी। exactly. ऑड नहीं है भाई, ये अशेन भाई, तुम पावर है कहाँ भाई। गायब हो गए? हाँ तुम कहाँ गायब हो मैं गए? कहीं गायब नहीं हुआ भाई, मैं यहीं पर हूँ, आज तुम्हारा दोस्त होस्ट बन चुका है। यार मैं और भी करियर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्यों सिर्फ शर्मा ऐसा। क्यों रहे अरे फिर, दिखो तुम कहीं मैं दिख रहा हूँ तुम, मैं सबको दिख रहा हूँ भाई, ये मत बोलो कि दिख नहीं रहा। अंधेरे में ये नहीं दादा भाई, को ऐड करो ना, दादा को, अरे दादा को ऐड। हम हाँ चार मैं हुए बता ना रहा अभी। हूँ ऑलरेडी, दादा का टाइम निकल लिया, वक्त अब गया। अच्छा ऑल हाँ, विनर्स इन दिस फ्रेम, फैक्ट्स ओ फैक्ट्स, डीएमसी स्पिटिंग फैक्ट्स। क्या बात चलो है। इससे पहले हम इसको अपनी दोस्ती या वाला वो ना बनाते हुए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें एमटीवी के लिए आंसर करने ओके बहुत मिस्टर जरूरी हैं, ठीक है? ओके हाँ वो जरूरी है, स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है? तो जो 100 RBH है हमारे सौरभ भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसके बाद मृणाल से मैंने पूछ लिया, बहुत सही आंसर दिया। आप मुझे बताओ कि जो रिप्रेजेंट करने आए थे आप एमटीवी पे, आप क्या रिप्रेजेंट करने आए थे और आपने कितना किया आपके आपके हिसाब से? मैं तो भाई, मेरे को, मैं तो मतलब भारत का नागरिक रिप्रेजेंट करने आया था, और वो मैं बहुत अच्छी तरह से किया। और जो भी लाइक हर नेशनल, मतलब जितने भी नागरिक है उनके जो भी सवाल है, उनके जो भी दिल की इच्छा है, जो भी एग्रेशन है, वो सब मेरे को वहां पे डालने का था, उनको रिप्रेजेंट करने का था। और मैं जो कल्चर से आता, मराठी कल्चर, उसको मेरे को रिप्रेजेंट करने का था, दुनिया को रिप्रेजेंट करने का था, तो मैं सब चीजें कर डाला वहां पे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अरे यार यार बहुत बढ़िया, और वो चीज हमने भी विटनेस की है, अमरावती चा पोरगा ब्रो। यस अरे यार बहुत बहुत सही तरीके से यार, हम इसी बात पे एक्चुअली हमको वो जम्मू चा पोरगा भी सुनना है। यस यस फैक्ट्स भाई, भाई भाई ये तो बड़ा सुनना सुना मांग, ये तो सुनना मांगता क्या, है। सुना जम्मू चा पोरगा, ये बहुत ही कुछ अजीब सा ब्लेंड है जम्मू यार। चा पोरगा ताए मारे दादा वो ने गुजारे जम्मू पे सुना ने भूल भी गुजारे गया, जम्मू चा बहुत सही, पोरगा जम्मू चा जम्मू चा पोरगा पोरगा।
क्रमांक एक अरे उदय आप बताओ, उदय आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। यार डू यू फील लाइक क्या है? यार मैं तो मस्ती करने आया था, तुम्हें पता ही है मैं आया था रिप्रेजेंट करने लिरिसिज्म प्लस बैटल रैप, और वो मैंने अलग अलग जोन्स में अलग अलग फॉर्म्स में कहीं ना कहीं मस्ती खोरी करके बहुत अच्छे से मस्ती करते करते ही सबके साथ ही बिल्कुल इतने बिल्कुल अच्छे बिल्कुल बिल्कुल कॉन्टैक्ट्स बनाए, सब कुछ किया, बस हम सब साथ रहे ना, वो बेस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ में से एक हो सकता है, और बहुत हाँ मजा आया यार, पूरी जर्नी में, बहुत अरे यार विजय मतलब दादा, अच्छे से सब कुछ जाए। हाँ जी, हाँ जी विजय दादा को भी यार वो तो है, वो सब तो विजय दादा बोलते हैं यार, यार, सब तो बोलते ही हैं, हमारे उदय को सब बोलते हैं कि ये इतनी सी एज में ही इज अ मैड जीनियस, ही इज एक्चुअली अ मैड जीनियस। हमने इसको क्लोज मतलब कोई है मैं भाई बोलना चाहूंगा, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो ना और उदय वो साइड में खड़ा है, उदय ये उन दोनों की कॉन्वर्सेशन में से आइडिया निकल भाई, जाता है, इतना खतरनाक मैं नहीं लगता है। कॉन्वर्सेशन के अंदर बार्स मारते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और वो लिख लेता हूँ मैं रिएक्शन बेसिस पे, अगर मैंने क्लाइंट बोल दी शायद मैंने रिएक्ट कर दिया, लिख लूंगा उसको अगले गाने में हाँ डाल दिया बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है लड़का यार। यार मुझे पता क्या, एक और क्वेश्चन था जो आप लोगों से पूछना था, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ अभी भी लोगों को, तो पोको MTV हसल 03 की अगर आपको कोई भी अनफिल्टर्ड बिहाइंड द सीन्स और कोई भी आपको क्लिप्स चाहिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट से रिलेटेड, तो एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना है इंस्टाग्राम पे हसल हुड के नाम से, प्लीज ज्वाइन करो यार, वो सब ज्वाइन करो क्योंकि उसमें आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको मेन पेज पे मे भी ना मिले, यूट्यूब पे ना मिले, कहीं और ना मिले। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ये भेज रहा है ना उसको पहले मेरे से मिलवाओ, मेरी मेरी गैलरी में बहुत चीज है ऐसी, मैं भेजना चाहता हूँ अभी बहुत तक कुछ तो शैन मैं भाई का नहीं भेजा मुझे तो अरे पहले भाई भेजा नहीं, हम में से किसी का रिलेटेड नहीं, अपना भेजो, हमारी पोले मत खोलो क्यों भाई, मैं तो भेजूंगा। अरे यार सौरभ, पंगे लेने की आदत इस दिल्ली वाले की, वो सौरभ भी बैठ भाई मैं बैठे बता रहा हूँ, बैठे फाइनल्स भाई मैं बता रहा हूँ, फाइनल्स खत्म हुआ, शूट खत्म हुआ, शैन भाई लेट गए, शैन भाई के ऊपर 16 कंटेस्टेंट कूद रहे एक एक करके, शैन भाई फीलिंग लाइक एन एवरेज इंडियन डैड, और मैंने वो रिकॉर्ड किया हुआ, शैन भाई के ऊपर बॉबी कूद रहा है, उसके ऊपर ये शैन कूद रहा है, भाई, वो कूद रहा है, मेरे को भाई क्या चल शैन भाई, अरे रहा यार क्या फीलिंग थी यार, थोड़ा वो भी फोमो भी हो रहा था कि यार मिस कर देंगे, और हमने कैसे मिस कर दिया यार, ये सब पता नहीं चला यार, पता नहीं चला कैसे अरविंद, वक्त अरविंद गुजर को कोई गया। जगह हो थोड़ा सा, अरे भाई तुम्हारी आंखें गुड ठीक हो मॉर्निंग गई आरबेज भाई, अरे जागृत इंसान हो, मेरे को सब मालूम है क्या चालू है, किसके जागृत साथ चालू है, इंसान मेरे को सब इंसान मालूम है, अंदर आई से एम जागा हुआ है ऑब्जर्वर, ना, उसको मैं बाहर से ऑब्जर्व जागा करता इसलिए हूँ, नहीं। आई एम ऑब्जर्वर हाँ ये बात तो है, ये ये बात यही तो है है यार। भाई अब जो तो है। तुम मुझे फीलिंग बताओ, अरे विजय विजय दादा, विजय दादा को यार मैंने किया हैप्पी बर्थडे, विजय दादा अभी है नहीं मतलब हो गया शायद एक थर्सडे को, काम करो उनको ले यार लो, मैं जाता हूँ बहुत कोशिश, मैं बहुत पुणे से कोशिश हूँ, हाँ कर रहा हूँ, भाई अभी चालू होएगा 8 मिनट में, बस भाई चालू हाँ होने यार वाला है किनारे से विजय जो दादा, सब। फिर भेजा मैंने आपको, प्लीज कुछ करो, कहीं अच्छी जगह निकलो यार जहाँ पर नेटवर्क है, उसको नहीं ये तीन तो है, पता नहीं, मुझे लगता है कि नहीं है अपन शायद, चार से हो रहे तो पैसे के पांचवा अंदर नहीं सबकी नहीं हो सकता। आवाजें बदल गई है, हाँ विदु बोल चलो रहे हैं मैं सब। गायब हो रहा, मैं एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तीन लोग तो यहीं पर हैं, हमें बेसिकली बताना था हाँ कि आपको अपने स्क्वाड बॉस मतलब जो भी थे स्क्वाड बॉस के साथ कैसा लगा, मतलब इंटरेक्ट करके थ्रू आउट द सीजन, तीन तो इधर ही है DMC डायनामाइट्स, आप बताओ अपने कृणाल आपसे शुरू करते, अपने स्क्वाड बॉस तो ओजी थी भाई, ओजी थी, फैक्ट्स और क्या बोलते, फैक्ट्स हाँ नो फिल्टर, नो फिल्टर है ना, जो भी था मुंह पे था, तो अपने को बहुत ज्यादा ऐसा सही लग रहा था कि चलो सही जगह फंस गए करके, अपन मजा आ सही रहा जगह था, फंस गए हाँ भाई, भाई अरे सवाल ही नहीं बेस्ट पहले दिन भाई कि अपने इधर कुछ नहीं होएगा, पार्शलिटी नहीं, पार्शलिटी नहीं, और उनको मालूम तो उनके डायनामाइट भी डेंजर है करके, बिल्कुल धड़ाधड़ फट जाते 10-20 जनों को साथ में लेके, तो अपना फट तो मेरे को जाते हैं, लगता अपने मैं कुछ नहीं यस बोला। भाई, अरे अरे यार वो मैं एक बोल रहा हूँ सही बात है यार, ये सत्य है बिल्कुल, और ऐसा किया है एंड तक, हमने जहां तक हो सका फैक्ट्स और भाई सबकी जर्नी रही तब तक फाड़ते हुए गए हैं भाई, ट्रू हाँ सबको रिस्पेक्ट लेकिन जो है वो है है यार जी जी के लिए। नहीं मैं मृणाल से पूछना चाहूंगा, एक वही है हमारे अभी इस ग्रुप में जो EPR रेबल से थी, आपको कैसा लगा EPR जी के साथ पूरा डिस्कशन करते हुए थ्रू आउट द सीजन?
डिस्कशन एक्चुअली हमारे ग्रुप में बहुत, अभी 4 लोग थे ना, तो तभी सब लोग ना उन्हें गाने भेजते थे, उनसे रिव्यूज लेते थे, फिर वो कुछ इनपुट देते थे. बट मैं इतनी शर्माती थी ना, मतलब मेरे इन सबको पता है मेरा गाना ना, जब तक एवरीबडी वॉन्टेड टू हेल्प मी, अरे मृणाल बताओ क्या करियो, यू नीड इट, कुछ चाहिए क्या. आई वाज लाइक थोड़ा कुछ कंप्लीट कर लूँ, थोड़ा सा मेरा सेट हो जाए, फिर मैं सुनाती हूँ, फिर मुझे इनपुट देना. ऐसे करते करते शूट डे आ जाता था ना, मैं गाना सुनाती नहीं थी. तो सेम मेरा पीआर सर के साथ भी हुआ, तो मैंने उनको कभी गाने नहीं भेजे, उन्होंने डायरेक्ट स्टेज पे मेरे गाने सुने. तो अरे ऐसा था यार, कि मैंने इनपुट लिया नहीं, जबकि मुझे लेना चाहिए था, बट मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती थी, मैं गाने ही नहीं सुनाती थी. अरे यार तो वो बस मैंने थोड़ा सा ये कर लिया, मुझे लेना चाहिए था, बट आई कुडंट डू चलो इट. कोई बात नहीं, कोई नहीं, एक इस केस में ऐसा तो, इस केस में मेरा मृणाल का कंप्लीट अपोजिट है। इसके गाने बन जाते थे, हफ्ता सुनाते नहीं थी, मेरा हफ्ता बनता ही नहीं था, लास्ट दिन पे बनता था गाना, मुझे खुद ही नहीं सुनने को मिलता था मेरा गाना, शूट से 2 घंटे विटनेस पहले किया है, गाना बन रहा है। ये मैंने विटनेस किया है, ये मैंने विटनेस किया है, हर ये चीज तो होती थी हर यार. एपिसोड में, हर एपिसोड में मेरे साथ हुआ ये। बट वही है यार, ये बहुत जो जर्नी थी ना, इसमें बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हुई हैं. मतलब किसी के एंड तक गाने नहीं बन रहे और झट से फिर बन गया, किसी का पूरा हफ्ते था. लेकिन होता है ना, कई चीजें अनफॉरसीन चीजें हो जाती है, कई बार अनएक्सपेक्टेडली अच्छा भी हो जाता है. तो सब चीजों से बहुत एक फिल्म की तरह था ये पूरा का पूरा फैक्ट्स. सीजन हमारे लिए एटलीस्ट. बाकी बाकी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे, अगर आपको एक वर्ड में अपनी हसल की जर्नी डिस्क्राइब करनी होगी, कैसे करोगे, क्या बोलोगे, वन वर्ड? ब्यूटिफुल, क्रेजी, ऑलराइट, रोलर कोस्टर, ग्रेट एक्सपीरियंस, ए डिप्लोमेट, कुछ तो हिंदी अच्छा बोलना इसमें, अलग कुछ. हिंदी में बोलो, आप हिंदी में बोले बोलो, भारतीय है ना, हिंदी में बोल. आप हिंदी में बोलो। हाँ तो अरे मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे को अभी तक का इतने सब आर्टिस्ट के साथ में मैं कभी बैठ के काम नहीं किया, उधर बैठा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, इसमें क्या डिप्लोमेट. लेकिन ग्रेट वन एक्सपीरियंस वर्ड, हम शॉर्ट हैं टाइम पे, वन यस वर्ड यस, चाहिए। वन वर्ड हिंदी. हंसू 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 हंसू, अरे बोलो ना जोक था ये। एक वर्ड बोलो, सौरभ भाई हाँ भाई, एक वर्ड में अपनी जर्नी डिस्क्राइब करो, आपको हसल का सीजन कैसा लगा? भाई ग्रेट एक्सपीरियंस, क्रमांक एक क्रमांक एक्सपीरियंस, क्रमांक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा अभी तक का, क्रमांक एक, एक क्रमांक क्रमांक एक, आपके लिए क्रमांक एक, यस परफेक्ट. मृणाल आपके लिए मैंने बोला रोलर कोस्टर, बहुत बहुत बढ़िया यार, बहुत यस. बढ़िया। तो अभी हम आप किसी का नाम बताओ, लेंगे? आप बताओ शैन भाई, मैं आप बताओ एक वर्ड। मेरे लिए, मेरे लिए तो यार क्या बोलूं मैं, मेरे लिए वो कहते हैं ना, एक वो क्या डीप सी डाइविंग जैसा था यार, बहुत जितना नीचे जाते जाओ उतना प्रेशर एग्जर्ट होता है, लेकिन उतना थ्रिल और आता जाता है, तो एक डीप सी डाइविंग जैसा था मेरे लिए वो. ठीक है, है ना, विजय दादा को ऐड कर रहे हैं हम, तो अभी हम मैं उदय चलूं? और, हाँ चल, उदय और मुन्ना, मैं भी एक निकलता मिनट हूँ. रुको, अबे ठीक है, हाँ विजय दादा को मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देखते हैं. ओके गाइस, भागा सी नहीं यू करता टू, हूँ. सी ओके टेक केयर यू, गाइस, लव यू, हम मिलते हैं बाद में, हमारे पास थोड़ा ही टाइम है, अगर यस विजय यस दादा ऐड हुए तो मैं, ठीक है. बाय ठीक बाय है, बाय बाय मेरी जान, मिलते हैं, दोनों दोनों से विजय मिलेंगे. ऐड हो रहा है, तब तक मैं यहाँ हाँ मैसेजेस बिल्कुल में कुछ लोग बोल रहे थे, बिल्कुल, पुणे में शो करो. थैंक्स टू एवरीवन, पुणे पुणे में शो जरूर करेंगे, जनवरी में करेंगे, बताऊंगी जल्दी हमने तो जाके. किया, आज देखो फिनाले, हमने तो किया, बहुत मजा आपने आया किया पुणे, पहले जाके यार, लव टू पुणे यार यार, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत प्यार मिला ना आपको वहां पे. बहुत बहुत ज्यादा भाई, बहुत सही एक्सप्लेन नहीं सही, कर, मैं फर्स्ट टाइम पुणे गया था और इतना प्यार, इतना वाओ. प्यार. आपको घुमाऊंगे, आ जाना आप अगली हाँ बार शो. अब इत्मीनान से आएंगे बगैर किसी यस, 2 टेंशन के, फ्री 2 दिन आगे पीछे तो होनी मेंटली. चाहिए. हाँ ये बिल्कुल, क्यों नहीं आ बहुत रहा सारी अभी जगह, मुझे? विजय दादा पता नहीं क्यों नहीं ऐड हो पा रहा है, 1000 बार भेज चुका मैं उनको, हमारे पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं एक्चुअली. राइट, हमारे मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए यार, मैं सच बात बोलूँ तो. ना मुझे भी शुरू करते हैं, अभी देखते हैं अभी. अरे हाँ और उनका पहले ही मिनट में वो जो हडल रूम वाले चीजें दिखाने शुरू कर देना, मुझे वो भी देखनी है अरे यार, तो. अरे 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 यार, काश ऐड हो जाते हैं, लेकिन ऐड नहीं हो हाँ ना, पा रहे हैं किसी वजह से, अनेबल टू ज्वाइन, तो कोई बात नहीं, रख वही है. तक मैं ये 2 मिनट, या फिर आप बोलो हाँ एंड कैसे, आप कैसे समाप्त यही करोगे ये देखो, लाइव. आप
आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, आप प्लीज अपने जो भी गेसेस हैं कि आपको लगता है कौन विनर हो सकता है पोको एमटीवी हसल 03 का, तो प्लीज वो कमेंट्स में डाल देना, कहीं भी हर जगह स्पैम कर दो भाई, जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि जीतेगा इस बार। देखो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब जनता के हाथ में था, सब कुछ आप ही जानते हो, और आप लोगों को देखना पड़ेगा आज का और कल का एपिसोड, पता चल जाएगा सब कुछ। थोड़ा सा तो जहाँ इतने हफ्ते बिता दिए वहां थोड़ा सा इंतजार क्या है, थोड़ा सा इंतजार क्या है। शुरू हो रहा है, 1 मिनट में फिनाले शुरू हो रहा है, जाके बैठ जाओ टीवी के सामने। हाँ यार बिल्कुल, मैं अभी भी लोगों को रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे हसलहुड नाम का एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना है, आपको उसमें बिहाइंड द सीन्स मिल जाएंगे, आपको अनफिल्टर्ड अनएडिटेड जो भी होगा, गॉसिप्स होंगी, चीजें होंगी, शॉर्ट्स होंगे, बहुत मस्ती होगी, वो आपको मिल जाएगी वहां, तो वो ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है वाला ब्रॉडकास्ट चैनल। ठीक है, हम वेट करते हैं, अगर नहीं जुड़ पाए विजय दादा तो हमें आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, प्लीज आप भी देखो यार, जितने यहाँ 1150 लोग हैं यहाँ क्या कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता निकल जाओ भाई एपिसोड, और टीवी लगा लो, टीवी लगा लो, लगा लो तो जियो, जियो टीवी भी रहता है ना, उस पे लाइव चलता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक हाँ उस पे लाइव देख सकते हैं। जितने भी लोग कह रहे हैं ये जीतेगा वो जीतेगा, बिल्कुल यार ऐसा ही, चलो बच गए 7 बज गए, बना के रखो यार, अपने फेवरेट आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, सपोर्ट से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और थैंक यू सो मच, पोको एमटीवी हसल 03 का ग्रैंड फिनाले आ चुका है, तो ट्यून करो उसको प्लीज, टीवी पे लगाओ आज और कल, दिल से देखो और सपोर्ट करो अपने फेवरेट आर्टिस्ट, बहुत कूल। ओके, आवाज आपकी बंद हो गई एक्चुअली, बट यस, बाय बाय, ओके, टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग।